शांति। 11/3/2023 की साकार मुरली। मीठे बच्चे ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकतू कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। प्रश्न, संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं जो सारे कल्प में नहीं हो सकती हैं? उत्तर, संगम युग पर ही 5,000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। यही समय है बाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का। बाप सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं, सबका लिबरेटर बनते हैं। संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगती है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आते हैं। सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी युग की नहीं है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से जो ज्ञान धन लिया है उसका दान करना है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की राजाई लेनी है। दूसरा, और सबकी याद भुलाकर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु के रूप से याद करना है। वरदान, रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्म अभिमानी रहना। इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते हैं। दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहता, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहां अपवित्रता नहीं, वहां दुख अशांति कहाँ से आई? जो पावन आत्माएं हैं, उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। स्लोगन, जो सदा एक की लगन में मगन है, वही निर्विघ्न है। जो सदा एक की लगन में मगन है, वही निर्विघ्न है। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। अब टेलीग्राम चैनल पर ब्रह्मा कुमारी टीवी, इसमें आप मुरली को पढ़ भी सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं संपूर्ण मुरली की, और साथ साथ ऑडियो MP3 भी डाउनलोड कर सुन भी सकते हैं। ओम शांति।